ऐसा लग रहा है कि मैं बजाते ही जाऊं, लेकिन घड़ी भी नहीं, वो भी जरा जल्दी दौड़ने लगा है ऐसा लग रहा है मुझे। अभी तीन चार चीज खत्म नहीं हुआ, अभी देख रहा हूं। शॉर्ट किया मैंने, इसका तिहाई दूसरा है। देखिए क्या वाणी है इसमें, ये मेरे पिताजी का कॉम्पोजिशन है। कृधा कृधा गद्दी घणनक धा घणनक दी घणनक धेटे क्राम धा तेटे धा हिम तेटे धा और घेगे नाना काता काता करनक तेरेकट तकट तान धा करनक तेरेकट तक धरेकट धेटे ता धेटे ता कृधा तू ना काता। हाय हाय चीज है। देखिए कैसा बेदम है और कितना लंबाई है इसका, अमिताभ से भी ज्यादा। धातु 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 दिन ना धातु धातु नकेदातु नकेदातु गुर्दे गुर्दां धातु नकेदातु धातु 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 गुर्दां धातु नकेदातु धातु धातु गुर्दां गुर्दां धातु नकेदातु धातु 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 कड़ान धातु ना कतेटे धा कतेटे धा का देखिए लय का हिसाब। अच्छा चीज सुना दे ये पवस पढ़न। देखिए पवस ऋतु का वातावरण सोच के इसको बनाया गया है। कभी कभी गलती हो जाता है बड़ों का देख के। धड़ धड़ के धड़ धड़ के ना दिन ना तेरे धातु ना के धातु ना का धातु ना का के धातु ना का कनक 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 जैसे घटा छा गया हो। बिजली झटका सा हवा आया और फिर जैसे ही ये हवा हुआ तो मोर को बड़ा अच्छा लगा, तो नाड़ नतीना मोर नचने लगे। नड़ नतीना और कृष्ण धान धा कृष्ण धान धा कृष्ण धान 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 धा झमझमाट भी।
फरमासी है, देखिए भैरव सहाय जी के है। क्या त्याई का जगह है, फरमासी है। निकास ठीक से होना चाहिए, नहीं वजन घेगे में होना चाहिए जितना कि नाड़ में है। खिलाल जी क्या चीज था, तक धक 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 घान, ये तो आपने सुना है, इसका जोड़ा जो गुरु जी बजाते थे उसको देखिए इस दर्जे में। धक 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 धक
बोल का लंबाई भी देखिए और बानी देखिए, तक धा तक धिंदा धिंदा ते ते था धा ते था धादा दिंग ना इधर कर तक तक ना कर तक दिंग ना इधर कर तक तक ना धादा दिंग ना इधर कर तक तक ना ते क्रांग धादर कर तक 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 कर तक दिंग ना इधर कर तक तक ता धादी धादर कर तक धादी धा धादी ने धाकरां धाकरां धक कर तक झुमकर तक तक क्रांग करने कर तक तक ये था दी करता काम था करता था तीन था ये में था काम था करता हो जा रहा है। 25-30 तो सोच के आए थे। अच्छा, धान धिकने धकने धिकने धिक धान धक गति करने धक धिकने, ये काफी फेमस हो चुका है, मेरे गुरुजी का कंपोजिशन है, सभी बजाते हैं। इसका जोड़ा सुनिए, जो कमाली बन के आता है वो फरमासी है, ये कमाली है। और निकास देखिए कैसे निकलता है। Thank you.
थागे तेरे केड़े धागे तेरे केड़े धेद 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 धागे न धेद धागे तेरे केड़े तक और नाग दे ता गदी गदी नाग 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 दिग 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 और घिना तेरे केड़े गदी केड़े यहाँ मिड़ का काम है खर्च का घिना तेरे केड़े गदी केड़े घिना तेरे केड़े घिना तेरे केड़े घान तक 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 ये सुनिए दूध मठाई वाला तबला है गुरुजी बहुत खिलाए पच भी नहीं रहा था तो फिर भी खिलाए तब जाके बजता है सितार खानी नहीं है सितार खानी एक ताल है तो छंद नहीं है छंद का नाम है बहुत लोगों को पता नहीं है मैं आज बता देता हूं गुरु जी का कहना था तो सितार खानी का जो छंद होता है जो हम लोग धात्र कर देते टिट्टे घिना धाती घिना ऐसे बजाते हैं इसको टोटक छंद बोलते हैं जो छंद को तोड़ा गया तो टूट के जो है टोटक छंद तो टोटक छंद में एक दो चीज Thank you.
ये राम साहेब जी की चीज है। देखिए क्या भैरव साहेब जी की चीज है। कहते बापा से साहब आप जोर से नहीं बजाएंगे, मीठा से थोड़ा सा वॉल्यूम दीजिएगा, प्रॉमिस। और अब्बा का आदमी पूछिए, उनके कृपा से, भगवान की कृपा से, गुणों का कृपा से, ये जो मैं विस्तार बजा रहा हूं इसमें बावा को कायम करते हुए उसका करने के लिए एक ही हाथ में तिरकिट बजेगा, लेकिन कौन कौन अंगली से बजता है मुझे मत पूछिएगा, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बजता है वो बजाते हैं, मुश्किल है थोड़ा निकास, मुश्किल है।
पास निकास है और आराम से बजना चाहिए, दर्जा कोई भी हो। Thank you.